तो दोस्तों एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी जो होने वाली है वो फर्जी लोन के बारे में होने वाली है। यानी दोस्तों सीतारमन आपको जानते ही होंगे कि वो हमारी वित्त मंत्री है। निर्मला सीतारमन जी ने एक बयान दिया है, 9 सितंबर की बात है, उन्होंने एक फरमान जारी किया है कि जो भी फर्जी एप्लीकेशंस हैं वो अब प्ले स्टोर पर नहीं रहने वाली हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों रिंग एप्लीकेशन को आप फर्जी बताते हो और काफी सारे बंदे कस्टमर मेरे पास में नीचे कमेंट भी करते हैं, काफी सारे सब्सक्राइबर मेरे से पूछते भी हैं क्या ये बंद हो जाएगी, क्या ये फ्रॉड एप्लीकेशन है, और भी काफी सारी यानी दोस्तों काफी सारी एप्लीकेशंस हैं, क्या वो बंद हो जाएंगी, क्या वो फर्जी हैं, क्या वो आपका डाटा चुराती हैं। जो भी फरमान जारी हुआ है आपको इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीटली पता चल जाएगा कि फर्जी एप्लीकेशन का क्या होगा और उनके ऊपर एक्शन कैसा होगा और कैसे वो आपका जो भी डाटा है वो चुराते हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जोड़ देगा ना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर दोस्तों अभी तक भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों पे लेटर नाउ एप्लीकेशन के बारे में जो भी अपडेट होता है सबसे पहले हम आपको हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि पे लेटर नाउ एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर काफी सारी हो चुकी हैं, यानी दोस्तों पे लेटर नाउ भी और छोटे छोटे लोन देने वाली एप्लीकेशन भी काफी सारी प्ले स्टोर पर हो गई है, और उनमें से कुछ एप्लीकेशन आरबीआई से वेरीफाइड नहीं होती और वो फर्जी एप्लीकेशन होती हैं। तो दोस्तों अभी निर्मला सीतारमण जी जो कि हमारी वित्त मंत्री है, अभी उन्होंने एक फरमान जारी किया है कि जो भी फर्जी एप्लीकेशन है वो सभी के सभी रिमूव कर दी जाएगी। दोस्तों 9 तारीख की बात है, 9 सितंबर की बात है, उन्होंने एक अपडेट दिया है और उन्होंने बताया, जो भी उन्होंने बताया मैं आपको पूरा बोल के बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या बताया। मैंने अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है, और जैसे कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे हो कि सबसे पहले लिखा हुआ है ये दैनिक जागरण की जो न्यूज है, ये 9 सितंबर की न्यूज है, और इस पर लिखा हुआ है लीगल लोन ऐप अवैध लोन ऐप पर कसेगा शिकंजा, आरबीआई और आईटीआई मंत्रालय को वित्त मंत्री का निर्देश। या वित्त मंत्री उनको निर्देश दे चुकी है कि जो भी फर्जी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर उनको रिमूव कर दीजिए, वरना उनके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाएगा। और मैं आपको पूरी डिटेल, आपको पूरा पूरा आर्टिकल आपको पढ़ के बताता हूँ कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। पिछले कुछ महीनों से अवैध लोन ऐप की देश भर में बारिश आ गई है। जो लोगों को छोटे छोटे लोन के नाम पर उनके फोन से तमाम डाटा चोरी कर लेते हैं और फिर उनके फोटो डाटा में छेड़छाड़ का ब्लैकमेल करने लगते हैं। यानी दोस्तों जो फर्जी एप्लीकेशन होती हैं, यानी दोस्तों काफी सारी एप्लीकेशन जो है कि वेरीफाइड है और काफी सारी एप्लीकेशन छोटी छोटी एप्लीकेशन जो है वो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, जैसे कि वो आपका डाटा चुराएंगे, आपका फोटो लेंगे और वहां से आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है जागरण ब्यूरो नई दिल्ली, अवैध लोन ऐप पर शिकंजा कसने जा रहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अवैध लोन ऐप के जरिए हो रहे फर्जीवाड़े को गंभीरता से लेते हुए इस पर लगाम कसने की लेकर कई निर्देश जारी किए हैं। वित्त मंत्री ने आरबीआई से वैध लोन ऐप की सूची जारी करने के लिए कहा है। यानी दोस्तों आपको 3 से 4 दिन में आपको उसके एप्लीकेशन की जितनी भी अवैध एप्लीकेशन है, यानी दोस्तों फर्जी एप्लीकेशन है, उनकी आपको लिस्ट मिलने वाली है। उसमें आप चेक कर सकते हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन फर्जी है और कौन सी एप्लीकेशन वेरीफाइड है। ठीक है, ये दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको पूरी डिटेल आपको पता चल जाएगा कि कौन सी एप्लीकेशन हटने वाली है प्ले स्टोर से और कौन सी एप्लीकेशन फर्जी नहीं है और कौन सी एप्लीकेशन एनबीएफसी से वेरीफाइड होती है। अब आगे के आर्टिकल में इन्होंने लिख रखा है, वही इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटीआई मंत्रालय से इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि आरबीआई की तरफ से जारी सिर्फ वैध लोन ऐप ही ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेंगे। अवैध लोन ऐप के मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और सेल कंपनियों के साथ के संबंधों की जाँच का भी निर्देश दिया है। अवैध लोन ऐप पर होगी सख्त कार्रवाई। अवैध लोन ऐप पर सख्त कार्रवाई के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में वित्त मंत्रालय के विभिन्न सचिवों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय के सचिव, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के साथ बैठक की गई। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अवैध लोन ऐप पर होने वाली कार्रवाई की समीक्षा के लिए अब नियमित रूप से वित्त मंत्री बैठक करेगी। पिछले कुछ महीनों से अवैध लोन ऐप की देश भर में बारिश आ गई है। जो लोगों को छोटे छोटे लोन देने के नाम पर उनके फोन से तमाम डाटा चोरी कर लेते हैं और फिर उनके फोटो व डाटा में छेड़छाड़ कर उन्हें ब्लैकमेल करने लगते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये आर्टिकल इन्होंने लिखा है और 9 सितंबर की बात है, 9 सितंबर की अपडेट है, 9 सितंबर का अखबार आप उठा के देख लेना, उसमें आप साफ 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 अक्षरों में उसमें लिखा हुआ है
कि जो भी फर्जी एप्लीकेशन है उनकी लिस्ट जारी होने वाली है। उन्होंने दिशा निर्देश दे चुके हैं सीतारमन जी, और उन्होंने बोला है कि जो भी फर्जी एप्लीकेशन है वो रिमूव कर दी जाएंगी, वो रिमूव कर दी जाएंगी प्ले स्टोर से। यानी दोस्तों आपको पहले क्या करना है, अगर आप लोन लेना चाहते हो किसी एप्लीकेशन से, तो दोस्तों उसमें पहले आपको देखना है कि आरबीआई से रजिस्टर्ड है या नहीं है, वो वेरीफाई है या नहीं है। ठीक है, काफी सारी एप्लीकेशंस क्या होगी कि मार्केट में उतर गई हैं और वो आपके डाटा चोरी करते हैं और फिर वो उनको बेचते हैं और ब्लैकमेल कर लेते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा बनाने का यही मतलब था कि जो भी एप्लीकेशंस आएंगी या फिर जो भी एप्लीकेशन आप यूज करते हो, क्या आप फर्जी एप्लीकेशन यूज तो नहीं कर रहे हो? तो दोस्तों मैं इसीलिए आपको बता देना चाहता हूँ, मैं आपके लिए अवेयर करने के लिए वीडियो बनाया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको कहीं से भी लोन लेना है तो दोस्तों आप ट्रस्टेड एप्लीकेशन से ही लोन लीजिए। पे लेटर नाउ एप्लीकेशन भी ट्रस्टेड एप्लीकेशन हैं कुछ, उनसे ही लोन लीजिए। और रिंग एप्लीकेशन ट्रस्टेड हो भी सकती है, अभी पता चल जाएगा कुछ दिन में, अभी आने वाले टाइम में, अभी कुछ टाइम में फर्जी एप्लीकेशन की लिस्ट जारी होने वाली, उसमें पता चल जाएगा कि कौन सी एप्लीकेशन फर्जी है और कौन सी एप्लीकेशन ओरिजिनल है। ठीक है, उसके बाद में ही आप अपने जो भी आप लोन लेना चाहते हो, कहीं से भी छोटा मोटा लोन लेना चाहते हो, तो दोस्तों उसके बाद में आप लोन ले सकते हो। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए। अगर दोस्तों अभी तक भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।